स्वागत है आप लोगों का अवधेश सरस्वती पूर्व माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में। साइंस के पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने पूरा पाठ बता दिया था, विज्ञान कितने शाखाओं में बांटा गया है। उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं भौतिकी के अंतर्गत पहले यांत्रिकी देख चलूंगा। स्पष्ट आप जो नहीं देखा जो नहीं देखे हैं तो वीडियो को देख लेंगे, स्पष्ट हो जाएगा। और यांत्रिकी में जो पार्ट है ना, यांत्रिकी में जो पार्ट है मेरा, उसका नाम है मापन। ठीक है, तो मापन से हम शुरू करेंगे। ठीक है ना, मापन शुरू करेंगे। और आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है मापन के अंतर्गत, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है राशि के बारे में। राशि सुने होंगे आप, राशि सबसे मापन के अंदर पहले आपको पढ़ना है राशि के बारे में। ठीक है, अब राशि क्या होता है, सवाल बनता है राशि क्या होता है। तो स्पष्ट देखिए, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त कर सके आप कुछ भी, जैसे मैंने कहा जनसंख्या, किसी राज्य की जनसंख्या 21 करोड़ है, तो 21 करोड़ क्या हुआ, संख्या होगी ना। तो जिसे संख्या के रूप में आप व्यक्त कर सकेंगे, द्रव्यमान लिखिए, जैसे मैंने कह दिया 5 किलो, 5 क्या है, संख्या है, स्पष्ट है। तो स्पष्ट ये हुआ, जिसे संख्या के रूप में आप व्यक्त कर पाएंगे उसे क्या बोलेंगे, राशि बोलेंगे। तो अगर आपसे कोई कहता है राशि की परिभाषा बताए तो आप क्या लिखेंगे, जिसे संख्या के रूप में, जिसे संख्या के रूप में, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जाए, व्यक्त किया जाए उसे क्या बोलेंगे, उसे राशि बोलेंगे, उसे राशि। ठीक है, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे राशि कहते हैं। ये तो स्पष्ट हो गया आपको कि राशि किसे कहते हैं। कभी भी आएगा राशि किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जाए उसे राशि कहते हैं। फिर कहेंगे सर आप ये बताइए एग्जांपल क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बताया जनसंख्या। अब आप बताइएगा जनसंख्या राशि कैसे हुई, क्योंकि जनसंख्या को आप लिखेंगे ना संख्या, जैसे मैंने कहा किसी राज्य की जनसंख्या 21 करोड़ है, तो 21 क्या है भाई, एक संख्या ही है ना, तो जनसंख्या जो होगी आपकी राशि होगी। फिर हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान अब बताइएगा आप कहेंगे सर द्रव्यमान कैसे, तो द्रव्यमान मतलब मैंने कहा 4 किलो 5 किलो, ये 4 क्या है, संख्या है ना, तो संख्या है किसे क्या बोलेंगे, राशि बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ आगे लिख देंगे बहुत कुछ ऐसे हो सकता है। अब तो आप स्पष्ट होंगे, क्लियर है मुझे कि आपको स्पष्ट हो गया होगा। चलिएगा, अब राशि के बाद अगला जो नंबर आता है उसे कहते हैं भौतिक राशि, भौतिक राशि। अब आप बोलेंगे सर भौतिक राशि क्या है, ये भी तो ना दिमाग में क्वेश्चन आता है सर भौतिक राशि क्या है। अभी तो आपने राशि क्या जाना, आपने क्या जाना राशि के बाद, आपने ये जाना जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जनसंख्या, द्रव्यमान, ये सब संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है, इसे राशि बोलेंगे। चलिए भौतिक राशि क्या होती है, स्पष्ट है, भौतिकी के नियमों को ध्यान समझिएगा, नोट करते चलिएगा, भौतिकी के नियमों को जिसे किस रूप में, राशि के पदों के रूप में क्या मैंने कहा, भौतिकी के नियमों को जिसे राशि के पदों के रूप में व्यक्त किया जा सके। देखिए भौतिकी के नियमों को जिसे राशि के पदों के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे क्या बोलेंगे आप, भौतिक राशियां, क्या बोलेंगे, भौतिक राशियां। ठीक है ना, इसमें तो स्पष्ट है, नहीं स्पष्ट है, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत, स्पष्ट हो गया। अब आता है ना कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की है, मैंने आपको बता दिया भौतिक राशियों के बारे में, अब क्वेश्चन ये बनता है सर भौतिक राशियां कितने प्रकार की हैं, तो बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, भौतिक राशियां आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, आप पूछेंगे कौन कौन सी, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं,
देखिए अब मैं यहाँ लिख देता हूँ भौतिक राशियां, भौतिक क्या राशियां। आप कहेंगे सर भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो भौतिक राशियां होती कितने प्रकार की, मैंने क्या बताया दो प्रकार की। कौन कौन सी, देखिए इसकी भौतिक राशियों का दो प्रकार है, कौन कौन सा, एक होता है सदिश, क्या होता है सदिश, एक होता है सदिश, दूसरा क्या होता है अदिश। देखिए नाम से स्पष्ट है सदिश, दूसरा क्या होता है अदिश। अब चलिए इसकी मैं आपको व्याख्या करके बता देता हूं कि सदिश किसे बोलते हैं, अदिश किसे बोलते हैं, ठीक है। आप सब नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। और समय विज्ञान जो है शुरुआती स्तर पर, शुरू से लेकर मैं आपको आखिरी तक विज्ञान पढ़ा दूंगा, बस आप वीडियो ध्यान देते हैं, नोट करते हैं, समझते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए देखिए सदिश राशियां कौन सी हैं, सवाल ये भी बनता है, सदिश राशियां कौन सी हैं, किसे हम बोलेंगे सदिश राशियां। तो देखिए सदिश राशियां कौन सी हैं, देखिए वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां, ठीक है, देखिए वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनमें, वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा तथा, नोटेट करते जाइएगा, वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा तथा परिमाण, जिनमें दिशा तथा परिमाण, यहां देखिएगा ये अड़ है, जिनमें दिशा तथा परिमाण दोनों होता है, जिनमें दिशा तथा परिमाण दोनों होता है, ठीक है, तथा योग के निश्चित नियमों, योग के निश्चित नियमों के अनुसार, योग के निश्चित नियमों के अनुसार, वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा तथा परिमाण दोनों होता है तथा योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जा सकती हैं, ठीक है ना, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। अब तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि सदिश राशियां किन्हें कहते हैं, ठीक है, वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा तथा परिमाण दोनों होता है तथा योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जा सकती हैं, सदिश राशियां कहते हैं। जैसे अब जैसे में आप क्या कहेंगे, बल, अब देखिए कहेंगे सर आप बल कैसे, देखिए दिशा, दिशा मतलब डायरेक्शन होना चाहिए, जैसे मैं बल लगाऊंगा किधर लगाऊंगा, मैंने कहा मुझे बल लगाना है, मान के मैं इस पर बल लगाता हूँ, देखिए दिशा बन रही, मेरी एक दिशा ऐसे बन रही है, तो बल में देखिए दिशा भी है, परिमाण क्या होता है, कितना बल लगा रहे हैं, कितना बल लगा रहे हैं, जैसे मैंने कहा मैं 5 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ, एक मात्रा होगी ना, कितना होगा 5, मैंने कहा 6 न्यूटन का मैं बल लगा रहा हूँ, एक मात्रा हुई वही परिमाण हुआ, और देखिए दिशा क्या हुई, डायरेक्शन, मैंने कहा मैं दिशा में बल लगा रहा हूँ, जिसमें देखिए दिशा भी हो परिमाण भी हो, वे क्या कहलाएंगी, सदिश राशियां। ऐसे आप बहुत सी सदिश राशियों क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, ठीक है। चलेगा अगली जो हेडिंग आपकी है अदिश राशियां, ठीक है, आज अदिश मैं कंप्लीट कर दूंगा, उसके आगे जो है आगे जो अगले वीडियो देखा जाएगा, फिलहाल मैं अदिश कंप्लीट कर देता हूँ, नोटेट कर लीजिएगा आप इसको। चलिए अदिश को मैं कंप्लीट कर देता हूँ इस वीडियो में। चलिए सदिश तो हो गया, अब आप कहेंगे सर अदिश क्या है, अदिश राशियां किसे कहते हैं, आप ये कहेंगे कि अदिश राशियां किसे कहते हैं, देखिए बहुत आसान होता है, सिंपल बात है, देखिए अदिश राशियां वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है,
केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें अदिश राशियां बोलते हैं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से जैसे में देख लीजिएगा, वीडियो लंबा होता जा रहा है, मैं वीडियो को जल्द से जल्द करना चाह रहा हूँ। देखिए, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जैसे में आपका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। आप बताइए, क्या द्रव्यमान में दिशा होती है? क्या मैं कहता हूँ 4 किलो, परिमाण तो है 4 किलो, लेकिन कहाँ उस पर दिशा आपको नजर आ रही है? ठीक है, तो द्रव्यमान कैसी राशि हो गई? अदिश राशि। तो आप स्पष्ट कर सकते हैं, जब भी कोई परिमाण हो, दिशा ना हो, तो आप उसे क्या बोलेंगे? अदिश राशि। परिमाण भी हो, दिशा भी हो, उसे क्या बोलेंगे? सदिश राशि। ठीक है, अब इसके आगे अगली वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब तक मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में हम लोग आगे टॉपिक के साथ।